देश की मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अलका एक ऐसी बीमारी की शिकार हो चुकी है जिसके चलते उन्हें अब सुनाई नहीं दे रहा है। अलका को ऐसी कौन सी बीमारी हुई है और इस खबर के बाद बॉलीवुड से किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, आज इस खबर में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक पिछले कुछ समय से मीडिया और अपने सहयोगियों के संपर्क में नहीं थी, जिसको लेकर उनके करीबी लगातार चिंता जता रहे थे। अब उनकी चिंता सही साबित हुई है। दरअसल अलका याग्निक को एक ऐसी बीमारी हुई है जिसके चलते अलका को सुनाई देना बंद हो चुका है। आज अलका ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। अलका याग्निक ने अपने इंस्टा पर अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखकर अपनी बीमारी का दर्द बयां किया है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि मेरे सभी फैंस, दोस्तों, फॉलोवर्स और शुभचिंतकों, कुछ हफ्ते पहले जब मैं एक फ्लाइट से बाहर निकल रही थी तो मुझे अचानक लगा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इसके बाद मुझे पता चला कि मैं एक वायरल अटैक का शिकार हो गई हूँ, जिसके वजह से मुझे सुनाई देना बंद हो गया है। मेरे डॉक्टर्स ने इसे रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस डायग्नोसिस बताया है, जो एक वायरल अटैक की वजह से हुआ है। इस अचानक से हुए बड़े सेटबैक्स से मुझे शॉक लगा है। मैं उसे स्वीकार करने की कोशिश कर रही हूं और इसी बीच आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना दर्द बयां करने के साथ साथ अलका ने अपने पोस्ट में अपने फैंस को भी इस बीमारी से बचने की सलाह दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि मेरे फैंस और यंग साथियों को मैं हेडफोन्स और लाउड म्यूजिक को लेकर एक चेतावनी देना चाहती हूं। किसी दिन मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हेल्थ को होने वाले नुकसान पर बात जरूर करूंगी। आप सबके प्यार और सपोर्ट से मैं फिर से अपना जीवन पटरी पर लाने की आशा करती हूं और जल्द ही फिर से आपके सामने आने की कामना करती हूं। इस क्रिटिकल समय में आपका सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। फिलहाल अलका के इस पोस्ट ने उनके फैंस के बीच खलबली मचा दी है। सिंगर के फैंस उनकी इस बीमारी को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। इस खबर को सुनने के बाद जहां एक तरफ अलका के फैंस में नाराजगी दिखाई दे रही है, तो बॉलीवुड से भी लगातार उनके जल्द ठीक होने की कामनाएं की जा रही हैं। सोनू निगम, इला अरुण और इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई लोगों ने अलका की इस पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। सोनू निगम ने कमेंट में लिखा है कि मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, वापस लौटने पर मैं आपसे मिलूंगा, भगवान की कृपा से आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वहीं इला ने अपना दुख जाहिर करते हुए लिखा है कि मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ है। डियर अलका, मैंने आपकी तस्वीर देखी और रिएक्शन दिया, लेकिन फिर मैंने आपका मैसेज पढ़ा, ये दिल तोड़ने वाला है, लेकिन आशीर्वाद और आज के बेस्ट डॉक्टर के साथ आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी और हम जल्द ही आपकी प्यारी आवाज सुनेंगे। हम आपको हमेशा प्यार करते हैं, अपना ख्याल रखें। वहीं पूनम ढिल्लों ने भी इसको लेकर रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा कि आपको बहुत सारा प्यार और अनगिनत प्रार्थनाओं और आशीर्वाद भेज रही हूं। आपको प्यार और हीलिंग पावर हासिल होगी और आप जल्द ही फिर से सुंदर और स्वस्थ हो जाएंगी। आपसे प्यार है। आपको बता दें कि अलका सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि देश के सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं। उन्होंने 25 से ज्यादा भाषाओं में लगभग 21,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। अलका याग्निक को अपनी मधुर आवाज के लिए 2 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। इतना ही नहीं, 2002 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था।